हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन में हमीरपुर को कोई भी पद नहीं मिलने पर जनता में रोष है। लोगों का कहना है कि भाजपा को सुदृढ़ करने में हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने काफी योगदान दिया है और हमीरपुर को भी नई सरकार में जगह मिलनी चाहिए थी। वहीं लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नई सरकार में हमीरपुर को कोई पद देना चाहिए था, चाहे CPS का ही पद दे देते। सूबे में शुरू से सक्रिय राजनीति में रहने वाला जिला हमीरपुर इस बार अनदेखी का शिकार हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में जिले से एक भी मंत्री नहीं बना है। इससे पूर्व वीरभूमि के नाम से पहचाने जाने वाले हमीरपुर जिला ने मुख्यमंत्री से लेकर BJP और कांग्रेस दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री दिए हैं। वहीं भाजपा सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी हमीरपुर जिला को प्राप्त है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर जिला की बमसन सीट से 3 बार और 4थी बार हमीरपुर से चुनाव जीते हैं। धूमल 1998 से 2003 और 2007 से 2012 तक प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हमीरपुर के लोगों का कहना है कि सरकार में मंत्री पद न मिलने से जिला के लोगों में मायूसी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में जिले से कोई न कोई मंत्री रहा है। वो अच्छा नहीं हुआ, हमीरपुर को भी एक पद चाहिए था, चाहे चीफ सेक्रेटरी का दे देते, चीफ सेक्रेटरी क्या ना CPS का पद दे देते तो भी ठीक था। बाकी जो मंत्री बना वो ठीक ही बना, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा है। बाकी इनके काम पर निर्भर करेगा कि कैसा काम करते हैं, तभी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जाति तो हुई है, एक तो मुख्यमंत्री का पद गया है, दूसरे जाति भी हुई है। अगर ये CPS का पद दे दें तो भी चलो थोड़ा मर्म लग जाएगा इसमें। ये हमीरपुर का दुर्भाग्य है कि हमीरपुर को मंत्री पद नहीं मिला। वैसे हमीरपुर तो डिजर्व करता है, कम से कम एक मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए था। जब मुख्यमंत्री का पद गया है हमारे से, तो कम से कम उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, ताकि लोगों में एक भावना आती कि BJP में हमीरपुर को भी पूरा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जैसे और डिस्ट्रिक्ट को मिला है। तो लोगों में ये तो रोष होगा ही कि हमीरपुर को कुछ नहीं दिया गया है, तो ये लग रहा है। बाकी आने वाले दिन में पता लगेगा कि अगर हमीरपुर को कुछ प्रतिनिधित्व देते हैं तो सबको पता चल जाएगा। आज की डेट में तो ऐसा ही है कि हमीरपुर से बेइंसाफी हुई है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले हमीरपुर जिला से भाजपा की हर विधानसभा हलके से, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, काफ़ी बड़े ज़्यादा मतों से बढ़त मिली है। तो हमीरपुर के विधानसभा के किसी भी विधायक को कम से कम एक कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, ये बड़े दुख की बात है। समझता हूँ कि हमीरपुर से जो है वो बिल्कुल नानसाफी हुई है। भले ही हमीरपुर से, सुजानपुर से माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो सीट ना निकाली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमीरपुर से जो है भेदभाव की राजनीति जो है वो शुरू की जाए, जो कि सरासर गलत है। हमीरपुर को जनता ने भी वोट दिया है और हमीरपुर से भी काफ़ी जो है 2 बार यहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का बड़ा दुख है, हमें इस बात का बड़ा मलाल है कि हमीरपुर एक तो CM कैंडिडेट को उनको नहीं बनाया गया, हमारे धूमल जी को, और दूसरा ये चलो उनको नहीं, फिर भी एक हमीरपुर को मंत्री पद देना चाहिए था। इस बात का हमें बड़ा ज़्यादा मलाल है और मैं हमीरपुर की इसमें अनदेखी हुई है। गौरतलब है कि धूमल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिले से 2 मर्तबा मंत्री और 1 बार मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं। इस बार भोरन से कमलेश कुमारी और हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर के भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने के बावजूद मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं दी गई है। ठाकुर जगदेव चंद को BJP का संस्थापक माना जाता रहा है। वह BJP सरकार में हमीरपुर से पहले परिवहन मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही ईश्वरदास धीमान भोरंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं। धीमान ने उस मिथक को भी तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि जो 1 बार शिक्षा मंत्री बना वह 2री बार चुनाव नहीं जीता। धीमान पूरब में विधानसभा क्षेत्र मेवा से लगातार 6 बार चुनाव जीते हैं। दिसंबर 2016 में बीमारी के कारण उनका निधन हुआ था। वहीं कांग्रेस में मेवा से धर्म सिंह चौधरी और नदौन विधानसभा क्षेत्र से नारायण चंद परासर मंत्री रहे हैं।
धर्म सिंह चौधरी राजस्व मंत्री तो नारायण चंद परासर बीरवद्य सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा परासर लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हमीरपुर जिला से तीसरे मंत्री रंजीत सिंह वर्मा रहे। वर्मा के पास उद्योग विभाग रहा है।